कुछ बंदों को स्नाइपर चलानी नहीं आती। तो बेटा स्नाइपर उठा के उसकी इज्जत मत उतारो, और तुम्हारी औकात सिर्फ बोट मारने की है, तो जाओ बोट मारो। बड़ी अजीब सी है ये, पहले बेवक्त फोन मिलाती है, फिर मुझे गुस्सा दिलाती है, फिर खुद ही फोन काट के स्टेटस लगाती है। आज तुम्हारी वजह से मेरी आंखें नम है। पहले मुझे डाउट था, पर अब पक्का है तुझमें दिमाग कम है। अपने शौक महंगे रखो, सस्ती चीजों पर नहीं मरते, और इज्जत बड़ी महंगी चीज है, इसकी उम्मीद दो कौड़ी के लोगों से नहीं करते। जो खुद किसी काबिल नहीं वो हमें बदनाम करते हैं, और यूं तो मुझे गाली देने की आदत नहीं, लेकिन कुछ लोग गाली खाने वाले काम करते हैं। माय डियर बेस्ट फ्रेंड, ये सिर्फ तेरे लिए, यूं तो हजारों दोस्त हैं तेरे और हर कोई तुझे अपना ही कहेगा, लेकिन तू दोस्त नहीं औलाद है मेरी। तू दोस्त कितनों का भी हो, बेटा मेरा ही रहेगा। पबजी के स्क्वाड में ऐसा लौंडा है, खुद को प्रो और सबको नूब समझने वाला, इसको स्क्वाड से निकाल डाला तो लाइफ जिंगा लाला, और खुद को ज्यादा प्रो समझने वाले, सुन तेरा मुंह काला। वक्त बदल चुका है, लोग भी बदल चुके हैं, तो एक बात याद रखो, जो तुमसे औकात की बात करे उसे उसकी औकात में रखो। किसी को अच्छी शक्ल, किसी को बॉडी, तो किसी को पैसा चाहिए। एक बेकार सी चीज है मेरे पास, दिल। हट साला, ये किसको चाहिए? किसे पूछूं ऐसा क्यों? मुझे किसी को सफाई देना पसंद नहीं, इंसान हूं साबुन नहीं, और अगर इन बातों से मैं तुम्हें घमंडी लगता हूं तो मैं घमंडी सही। जिन्हें खुद को बोलने की तमीज नहीं वो हमें क्या सिखाएंगे, और जिनके खुद के कच्चे में चार छेद हैं वो हमें हमारी औकात दिखाएंगे। मैं गाली देता हूं और मेरा दोस्त गाली नहीं देता, और ये बात मैं किसी के सामने बोल सकता हूं, क्योंकि वो गाली देने के लिए नहीं, गाली खाने के लिए पैदा हुआ है। हाँ मान लिया तेरा एक एहसान, तूने मुझे रिवाइव किया था, लेकिन ओम तो तू ऐसे मांगता है जैसे ड्रॉप तेरे ससुराल वालों ने तुझे दहेज में दिया था। कहती है तुम्हें पता है मेरा नया बॉयफ्रेंड तुमसे ज्यादा पैसे कमाता है। चलो तो मैं इसका भी जवाब दे दूं, मिला था तुम्हारा पालतू टट्टू एक दिन मॉल में, बोल रहा था बिग फैन भाई तुम्हारे साथ एक सेल्फी ले लूं। मेरे बेस्ट फ्रेंड ये सिर्फ तेरे लिए, तू मेरा बेटा है सब जान चुके हैं, तू भी मान ले, बाकी सब तो मान चुके हैं। जिंदगी में तुम्हारे पास कभी कुछ हो या ना हो, लेकिन एक दोस्त ऐसा जरूर होना चाहिए जिसे तुम कभी भी फोन करके गाली दे सको। सही बता रहा हूँ, सुकून मिलता है दिल को।